हेलो क्यों वापस आना कि नहीं आना तू दोस्त यार चूहे मार गोली है दे यार अच्छा बंदा मार जाएगा ना कोई मतलब खुआनी खुनी है Oh no! यार तू दे देना नहीं मतलब मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि मर जाएगा ना बंदा चल दे ना दो गोली हेलो यार तुमने आना कि नहीं वापस मुझे ये बताओ बैठी रहना फिर अपने घर ही वहीं पे यार मैं कह तो रहा हूँ अब नहीं हमारी लड़ाई होगी क्या मसला है तुम्हें आ जाओ घर तुम्हें पता मैं नहीं रह पाता तुम्हारे बिना सच में नहीं यार अच्छा मैंने चूहे मार गोली ले ली है मैं खाने लगा क्या हुआ भाई यार आप पैसे ले यार अरे भाई 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 क्या ये अब दुकानदार मुझे मना कर रहा है मैं खुदकुशी कर लूंगा ओह नो देखो अब मैं क्या करता यार दे यार मैं तेरी दुकान पे बैठी है अरे भाई 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 क्या ओह नो 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 पीछे देख Assalamualaikum guys, welcome to another vlog. उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे जैसा कि आप लोगों को पता है कि काफी ज्यादा बिल आए हुए हैं लोग काफी ज्यादा तंग है यहाँ पे आज मैं लोगों से पूछता हूँ कि उनके क्या हालात है और किस किस का कितना ज्यादा बिल आया और पेट्रोल जैसा कि आप लोगों को पता है काफी ज्यादा बढ़ गया है आवाम रो रही है हालात सारे उन लोगों के काफी ज्यादा खराब हुए हैं ये काम कर रहे हैं Assalamualaikum क्या हाल है अंकल जी ठीक है अच्छा काफी ज्यादा आ रहे हैं आपका कितना है बिल जमा करवाया के नहीं अभी दिया था कराया दो किस्तें कराया गया था अभी पड़ा है इंस्टॉलमेंट हो रही है फिर आ रहा है 20,000 के फिर आ जा रहा है पहले आप लोगों का कितना बिल आता था पहले 2,000-4,000 तो आपकी दिहाड़ी कितनी लगती है दिहाड़ी मारी 900 की जी दिहाड़ी तो मतलब 27,000 रुपया आप लोगों का बन रहा है तो 20,000 आपका बिल कैसे सर्वाइव कर रहे हैं क्या कहना चाहेंगे बच्चों को खाना खिलाएं या बिलता रहे ये तो हुकूमत को चाहिए ना कि वो आपका ख्याल करना गरीब आवाम देखे कैसे यहाँ पे किसी का ख्याल नहीं कर रही अपना अपना ख्याल कर रही है बस वो कह रहे हैं हम ज्यादा रिलीफ नहीं देंगे ये कर सकते हैं कि इंस्टॉलमेंट कर सकते हैं और जिसका एक आदमी का 5,00,000 बिल अब वो क्या करेगा उसकी इनकम 20,000 है Assalamualaikum आपका कितना बिल आया बिल तो 12-13,000 तो अब कितना आया अभी इतना ही आया अभी आना है तो क्या कहना चाहते हैं हुकूमत को वो तो पहले 20 रुपए दे गए इधर से अलीपुर चौक से नुआ के जाते थे अब रात को 40 रुपए लिए हैं डबल लिए हैं फिर पटोला की और देखिए गाइस हमारे रोड भी सारे टूटे पड़े हुए हैं अलीपुर भाई ये रोड के मतलब क्या बोलेंगे ये भी सारा टूटा हुआ रोड ये रोड ये नहीं बन सकता बांट जाते हैं गाइस आप लोग देख सकते हैं कि आवाम काफी ज्यादा तंग हुई हुई है इस हुकूमत से जो निगरान हुकूमत है बाकायदा मैं आप लोगों को जो यहाँ पे बैठे हुई है आवाम उससे बात करते हैं और देखते हैं क्या कहते हैं निकले हुए आज आवाम निकली हुई है सड़कों पे तो आप लोग क्यों नहीं निकल रहे अपने हाथ के लिए क्यों नहीं कर रहे कितना पीला है आप लोग कितना बिल आया आपका 18,000 ये गाइस इनका अंकल ये 18,000 है और गाइस हमारी आवाम इतनी ज्यादा सुलझी हुई है बिल भी इतना ज्यादा आया है और फिर माशाल्लाह वो खुश है गवर्नमेंट ने कर रहा है तो क्या कहना चाहते हैं गवर्नमेंट के लिए ए उठा ले रे देवा उठा ले रे बाबा
मुझे अमीर को नहीं रे, ये दो गरीबों को उठा ले। ये भाई के बहुत ज्यादा पीला आ गया जिसकी वजह से इन्होंने अपने कपड़े ही फाड़ लिए। कितना पीला है आपका? सच में कपड़े फाड़ लिए उन्होंने, इसके अंदर से बेचारे के अंदर से निकाला। क्या आपकी तनख्वाह कितनी है? 25,000 तनख्वाह है और 45,000 इनको पीला है। तो अब बेचारी आवाम, गरीब आवाम, हम क्या करें? हुकूमत को चाहिए कि मेरे लिए ऊपर से लाइट गई हुई है यहाँ पे, अब बताएं क्या करें? तो मजदूर लोग क्या करें बेचारे।